हेलो एवरीवन, टेक न्यूज़ के एक नए और फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नो प्रशांत फैमिली पे। और मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आए हैं टेक न्यूज़ का एक नया और फ्रेश एपिसोड जो कि आपको हमारे सब चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से टेक न्यूज़ का एपिसोड शुरू कर लेते हैं। उसके पहले बता दो, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हमेशा टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। तो बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर जो है एलजी की तरफ से निकल के आ रही है। एलजी का एक फ़ोन लॉन्च हो गया जो कि जिसका नाम है LG Style 3 लॉन्च हो गया है। इसकी स्पेक्स की बात करें तो उसमें हमको ट्रिपल लॉन्च देखने के लिए मिलती है और साथ ही हमको 6.1 इंचेस की एक क्वाड HD प्लस डिस्प्ले यानी कि एक OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 4GB रैम के साथ में जो प्रोसेसर दिया गया इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 845 प्रोसेसर है जो कि एक 4G प्रोसेसर है दोस्तों। और साथ ही बात करते हैं इसमें USB टाइप सी 3.5mm जैक और 3500mAh की बैटरी के साथ में 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया और वहीं 5 मेगापिक्सल की सेकेंडरी कैमरा दिया गया बैक साइड में। और फ्रंट की बात करते हैं जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो हमको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें इस फ़ोन में प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये जापान में अभी लॉन्च हुआ है, अब देखते हैं कि ये इंडिया में कब तक आता है और इंडिया में आता है तो किस कीमत पर आता है और इंडिया में आता है कि नहीं आता है, अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है LG की तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो दोस्तों अगली खबर है वो निकल के अगर ये गूगल की तरफ से जो गूगल का पिक्सल 4a है कुछ दिन पहले होर्डिंग पे देखने के लिए मिला था, लेकिन अभी जो इसका टिपिकल बॉक्स है गूगल के पिक्सल 4a का रिटेल बॉक्स वो लीक हो गया है। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, आपको इसमें सिंगल रियर कैमरा बस देखने के लिए मिलता है गूगल पिक्सल 4a में। इसी गूगल पिक्सल 4a में सिंगल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है और जो इसकी कीमत है वो भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो इसके स्पेक्स हैं वो फाइनल हो गए हैं। इसमें हमको 5.8 इंचेस की OLED डिस्प्ले दी गई है और साथ ही स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला एक प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर दिया गया है। 4GB की रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज और वहीं पर 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज दोस्तों इस फ़ोन में दिया गया है। 12.2 मेगापिक्सल का इसमें हमको सेंसर दिया गया और साथ ही जो बैटरी की बात करते हैं इसमें हमको 3080mAh की बैटरी दी गई है 15W की फास्ट चार्जिंग को जो कि सपोर्ट करती है। जो इसकी कीमत है अभी उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ है, जैसे ही कीमत के बारे में पता चलता है। इसी नोकिया का जो गूगल का पिक्सल 4a है मैं आपको अपने चैनल पे सबसे पहले दोस्तों इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी टेक न्यूज़ की जो ये निकल के अगर ये एक ऐप है जो कि जूम जिसका नाम है उसने एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया है। जो ये अपडेट है इसमें ये जो अपडेट में ये दिया गया फिक्स किया गया है जिसमें हमको मीटिंग आईडी देखने के लिए मिलती थी। मान लीजिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बहुत सारे लोगों के साथ चैट कर रहे हैं या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है जो आप मीटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए दो चार लोगों के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइटल बार में आपको जो मीटिंग आईडी थी वो दिखा दी जाती थी। लेकिन अभी जो ये अपडेट से ये फिक्स कर दिया गया है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि मीटिंग आईडी को हैक करके जो आपका मीटिंग की जो मान लीजिए आपकी जो भी डेटा रहता था उसको चुरा लेते थे, ऐसा कर लेते थे, लेकिन अभी जो ये अपडेट है इसके चलते कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जो अपडेट होगा वो पीसी के लिए, वेब के लिए और फ़ोन के लिए, आईफोन के लिए, जिसमें भी ये ऐप चलता है जूम ऐप, सबके लिए अब रोल आउट कर दिया गया, सबके वही जल्दी ये जो अपडेट है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं चौथी खबर की। जो चौथी खबर निकल के आ रही है वो आप उसको जब सुनेंगे या फिर आप टाइटल देखें तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे। जो चौथी खबर है दोस्तों वो निकल के आ रही है पबजी की तरफ से, जो पबजी का एक और अपडेट आने वाला है। जो ये अब ऑनलाइन जो सीज़न आने वाला है पबजी का जो सीज़न आने वाला है मोबाइल सीज़न 13 वो आने वाला है जल्दी, ये ऑनलाइन वेबसाइट पे स्पॉट हो गया है। और साथ इसमें आपको पावर रेंजर्स की नई स्किन मिलेगी और एक कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। पबजी का जो यही सीज़न होगा उसका जो नाम हो सकता है कि टॉय प्लेग्राउंड के नाम से इस सीजन को पेश किया जा सकता है। इसमें आपको वेक्टर गन और पिस्टल देखी जा सकती है, जैसे कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें आप जो ये पबजी का सीज़न 13 है उसमें एक नई जो स्किन है वो आपको देखने के लिए पावर रेंजर्स की स्किन और जो उनका कैरेक्टर्स होगा वो आप देख सकते हैं इसमें। और साथ ही AUG स्किन भी आपको मिलेगी, साथ ही लेवल 3 के हेलमेट स्किन भी आपको इसमें दी जाएगी। जो यही अपडेट है देखते हैं कि ये कब तक जो ये अपडेट है ये कब तक आता है और जो ये सीज़न 13 है और अपने साथ में क्या क्या लेके आता है पबजी लवर्स के लिए, क्या क्या ये लेके आता है सीज़न 13। तो चलिए बात करते हैं लास्ट खबर की। पांचवी खबर जो है एप्पल टीवी प्लस की तरफ से निकल के आ रही है। अगर आप एप्पल टीवी प्लस की जो ओरिजिनल शोज हैं या फिर उसकी जो भी वीडियो जो भी शोज हैं अगर वो आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अभी आपको फ्री में देखने के लिए मौका मिलेगा इसको,
ऐसा कि अनाउंसमेंट कर दिया गया, तकरीबन 100 कंट्रीज़ में इसको रोल आउट किया जाएगा। और अगर आप चाहें तो जो भी यूज़र्स हैं चाहें तो 99 रुपये का प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत लीजिए। आईफोन्स में, अपने आईपैड में, आईपॉड में, आईमैक, अपने मैक ओएस में आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। और साथ ही बात करें जो इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, 9 to 5 मैक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, एलिफेंट क्वीन और एक सर्वेंट, दूसरी हो गई फॉर ऑल मैनकाइंड, फिर एक हो गई स्नूपी इन स्पेस, इस इन जो वेब सीरीज है या फिर ओरिजिनल शोज हैं एप्पल टीवी की तरफ से जो भी आते हैं, आप इनको फ्री में इनका मज़ा उठा सकते हैं और फ्री में इन शोज़ का आप मज़ा ले सकते हैं। तो यही थी कुछ एक्साइटेड खबर कुछ एक्साइटेड कंपनियों की तरफ से, पबजी की तरफ से। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करके जाइए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव तो हमको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दोस्तों ध्यान से बताइए। मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के एक नए और फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।